नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दी हाइफर स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इग्नो की मास्टर ऑफ कॉमर्स की सेकेंड ईयर की सॉल्व असाइनमेंट MCO07 की कोर्स कोड है। हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं एंड आप एक मास्टर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक करते हैं, वहाँ MCO 1, 3, MCO 4, MCO 5, 6 सभी की असाइनमेंट्स अवेलेबल है। एंड ये असाइनमेंट जिन भी बच्चों का एडमिशन सेकेंड ईयर में मास्टर ऑफ कॉमर्स इग्नो में January 2021 का है एंड July 2020 का, वो असाइनमेंट ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट को सबमिट करना है। ये असाइनमेंट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमारे पास 5 क्वेश्चंस है 20-20 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेकंड को भी 2 पार्ट्स हैं एंड थर्ड के भी 2 पार्ट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं 20-20 मार्क्स के। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, MCO07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है वन साइड रोल्ड पेपर पे लिखी जाती है, A4 साइज़ के लमसम बराबर का पेपर होता है, मतलब आसपास चलेगा, थोड़ा बड़ा साइज़ का पेपर होना चाहिए। एंड असाइनमेंट देने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, देन उसके बाद फ्रंट पेज जिस पे आपकी डिटेल्स भरी होती है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर, उसके बाद ये पेजेस लगाने होते हैं जो आपने असाइनमेंट के सॉल्व लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आप चाहें तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इसका सॉल्व, मतलब कंप्यूटराइज सॉल्ट और हैंड रिटन असाइनमेंट सॉल्ट और हार्ड कॉपी तीनों अवेलेबल है, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स बेसिक फंक्शन, इसके ऊपर हमने ये सॉल्व किया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें ब्लैक पेन से क्वेश्चन को लिखना होता है, आंसर उसको ब्लू पेन में, ठीक है। आप चाहें तो इसको हेडिंग भी दे सकते हैं और थोड़ा डार्क करके भी लिख सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ इट्स फाइनेंस फंक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो अभी हमारा फर्स्ट का ए पार्ट चल रहा है। ये देखिए बी पार्ट हमारा आ गया, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिस्क द रिटर्न, इसके ऊपर बताएंगे हमारा हम। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है चल रहा है, ये 7 पेजेस में आकर कंप्लीट होता है 8 पेजेस में, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 पेजेस में आके कंप्लीट हुआ है। उसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, ओके। सो ये इसका आंसर, आप चाहें तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो इसको यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कितना कितना कंटेंट लिखना है। देखिए इस पे जो हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन में लिखा हुआ, आप चाहिए तो और डार्क और मोटा कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ओके। देखिए ये क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, इसका ये फर्स्ट का, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, ओके। ये ख़त्म हो गया, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, व्हाट इज़ मनी मार्केट, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके ऊपर हमें आंसर देना है। देखिए इसी तरह से आपने लिखना है, बस जो हेडिंग्स है ना उसको ब्लैक पेन से डालते हुए जाना है एंड उसका जो आंसर है उसको ब्लू पेन से। कोशिश करिएगा अच्छी क्वालिटी का पेज यूज़ करिएगा, जैसे क्लासमेट हो गया, सेलो हो गया, इस तरह का पेज के ऊपर असाइनमेंट लिखने की कोशिश करिएगा। ये हमारा आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन निकल चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं, और यहाँ से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि छूट गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है। देखिए ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ओके। सो आप इसको लगे देख लीजिए, और अगर हाँ MCO 1, 2, 3, 4 सारे हमारे और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट सारे हमारे प्लेलिस्ट में इग्नो असाइनमेंट की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप सारे असाइनमेंट अपने चेक कर सकते हैं। अगर आपका असाइनमेंट नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका भी एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी, ओके। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इग्नो से रिलेटेड हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।